देखो अगर मैं आपसे पूछूं तो बेटा प्रेजेंट इन द अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? पहचान मतलब पहचान मतलब बच्चे कैसे पहचान नो नो इंग्लिश इसको हम या तो रिकॉग्नाइज करना बोलेंगे क्या बोलना रिकॉग्नाइज करना या फिर इंट्रोडक्शन अगर मैं आपसे पूछूं चलिए अच्छा एक बार बताइए मैं आपसे अगर पूछो नहीं मुझे आपको प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताइए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है रटने की जरूरत नहीं है यू कैन फाइंड आउट द आंसर थ्रू द क्वेश्चन प्रेजेंट मींस क्या है कॉन्टिन्यूअस मींस रहा देन व्हाट विल बी द आंसर रहा है व्हाट इज इंट्रोडक्शन रहा है रहा है Got it? Yes, sir. If I want to ask that, my dear students, tell me the introduction of future tense. Perfect. Tense. Continuous. Continuous tense. Then don't be afraid of. Just find the answer. Future dakiji. That but future continuous raha rahi. रहा होगा रही होगी रहा होगी प्लस परफेक्ट मींस टाइम रहा रही प्लस टाइम गागी के रहा होगा रही होगी रहेगी प्लस गिवन द टाइम रहा होगा रही होगी रहे होंगे प्लस गिवन द टाइम गॉट इट वेरी इजी Yes. Now I think you can find all the introduction of or related all the tenses. Got it? Sare tense kya hum nikal lenge nahi nikal lenge? Yes sir. Pakka? Yes sir. Okay, done. I want to ask you something. Tell me the introduction of past perfect tense. Past tha, perfect chuka. Yes. What will be the answer? Chuka tha. Got it? It means through the question you can find the answer. Don't Try to remember all the time that रटना ही नहीं आपको आपको बस क्वेश्चन होगा उससे आंसर निकाल लेना सभी कर लेंगे yes, किसी कोई प्रॉब्लम अभी no, sir. कोई लड़की जो ना कर पाए अभी बता दो सर गिवन द टाइम सर गिवन द टाइम के बारे में ओके आई विल नाउ कम्स अनदर टाइम टाइम इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स सेंस And cause. Since means point of time, निश्चित समय. और periodic time, अनिश्चित समय. निश्चित समय क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं लोग, है ना? Childhood. Childhood. बचपन से. Since childhood बोलेंगे हम. Number two. मैंने बोला 2015. Year क्या है? 2015. ये निश्चित साल है? Yes sir. O'clock बजे. क्यों सर ओ क्लॉक क्यों निश्चित होता है क्योंकि इसके आगे या तो हम पीएम लगा देते हैं तो पीएम है राइट दोपहर की भी सुबह के दैट्स व्हाई निश्चित होता है इसके बाद हमारा संडे हो गया इट मींस द नेम ऑफ डे डे का अगर हम नाम ले लेते हैं तो हमारा निश्चित हो जाता है इसके बाद यदि हम इफ आई टेल यू दैट संडे ईयर एंड द मॉर्निंग Morning is fixed time and that's why we have to use since morning, since night. Okay? Yes. Got it? Yes. Okay. Sir, birthday. Yesterday. You have to use what, my dear student? Since yesterday.
ओके ओके मंथ्स नेम लाइक जनवरी जनवरी क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ निश्चित समय आधा क्वार्टर आवर्स बजे कितने दो बजे से तीन बजे से सॉरी एक घंटे से दो घंटे तीन घंटे से बजे तो निश्चित होता है बट आवर क्या होता है निश्चित नहीं होता क्योंकि इसके आगे आप एएम पीएम नहीं लगाते तो अनिश्चित में आता है फॉर आवर्स होता है। अच्छा इन दोनों के लिए क्या हिंदी वर्ड क्या होता है से क्या होता है से दो बजे से इससे के लिए हम सिक्स पार्ट यूज करते हैं। इसके बाद आ जाए डे आई डोंट नो द डे विच डे बट यस डे फॉर डे तो क्या हो जाएगा डे फॉर आएगा ईयर आई डोंट नो द एग्जैक्ट व्हाट इज ईयर 2015 और 2016 बट इफ आई से ओनली ईयर देन इट विल बी द पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज फॉर गॉट इट हम से क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे ओके आवर्स डे ईयर मंथ्स व्हिच मंथ डोंट नो कौन सा महीना पता नहीं एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज फॉर ओके तो आवर डे ईयर मंथ वीक वी हैव टू यूज फॉर गॉट इट बस मैच भी को भी सर जैसे फॉर की हिंदी से होती है सिंस की हिंदी क्या होती है सेम मीनिंग सेम इन हिंदी लिखना है मुझे कब से क्या बोलना है कब से व्हेन आई हैव टू यूज इंग्लिश सिंस व्हेन सिंस व्हेन लेकिन अब किसी ने मुझसे पूछा सर अगर मुझे बोलना है कहां से मुझे बोलना है कहां से क्या क्या लगाऊंगा वेयर सिंस वेयर फॉर सिंस व्हेन अच्छा समझो बात मेरे पास समझे कुछ सिंस व्हेन लिखेंगे हम सिंस व्हेन अगर लिखना कहां से तो आप यहां सिंस व्हेन नहीं लिखेंगे सर प्लेस लिखा था फ्रॉम From टाइम नहीं लिखा था फ्रॉम लिखा था प्लेस फ्रॉम हियर आप बात सुना है और ज्यादातर इसको मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर लिखते हैं वेयर फ्रॉम कहां से क्या होता है वेयर फ्रॉम बाद में किया जाता है बात सुना है थोड़ी सी इंग्लिश सही हो गई आई समझ में किसके साथ तो क्या बोलेंगे हम किसके साथ विद होम विद होम विद होम किसके साथ बात समझ आया किसके द्वारा थ्रू होम थ्रू होम किसके द्वारा बात समझ आया बच्चा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इंग्लिश यस मैडम दुकान